स्वागत करुच्छी आज का जीवन यूट्यूब चैनल को मो गौतम फ्रेंड्स करंट अफेयर सीरीज बर्तमान पर आपंकर कंटिन्यू रही 700 रु 800 आपंकर करंट अफेयर क्वेश्चन आसपाक जाऊँगी एटा जो रही आपंकर क्लास नंबर 8 जदि बाकी आप वीडियो देखी ना निहाती भाव आप प्लेलीस्ट चेक करेंगे सी एस टीर कि विजिट करेंगे वीडियो सेक्शन ओके से आप समस्त वीडियो और डाटा आपरेंगे ओके चलो आज आलोचना करने क्लास 8 वीडियो जोटा कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आपरेंगे करंट अफेयर ओके जो थी आपंकर प्रिलिमिनरी एग्जाम पाई हाई स्कूल टीचर 2023 रो 10 मार्क निहित भाव में आसीज चलत आलोचना करवा प्रथम क्वेश्चन रही व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 तेने 2022 पाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपंकर आसी जाइए 2022 रो बर्तमान आमको क्वेश्चन पचारूँ जे इंडियन पासपोर्ट इंडेक्स रे जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रे इंडियन रो पोजीशन बा रैंक केते ओके इंडियन पासपोर्ट रो रैंक केते रही दैट इज आपंकर आंसर हो जाव ऑप्शन नंबर सी 87 रोइबो इंडिया रो रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रे ओके ये देखिपे आपण वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रही रैंक रही रैंक रही डेस्टिनेशन अर्थात जो स्कोर रही था स्कोर ये आपको दि जाइए ओके जमीक आपंकर जापान जो कि फास्ट पोजिशन रही 193 स्कोर कर द्वितीय रही सिंगापुर 192 और साउथ कोरिया सामान अर्थ द्वितीय स्थान अधिकार कर 192 रैंक करके स्कोर करके जर्मनी आपंकर तृतीय स्थान रही 190 ओके यह रही आपंकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रो रिपोर्ट तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन हुई स्टेट इंडिया फास्ट डिजिटल लोक अदालत हेज बीन लॉन्च रिसेंटली प्रथम डिजिटल लोक अदालत प्रथम डिजिटल लोक अदालत भारत प्रथम क्यों राज्य आरंभ हो रिसेंटली आपंकर क्योंठार आरंभ हो तार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर राजस्थान राजस्थान ही डिजिटल लोक अदालत लॉन्च कर प्रथम राज्य भाव में भारत ओके जदि आप यार पीडीएफ पाया पाए चाहूँ निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे बा आपण जो रही डिस्क्रिप्शन रे आप टेलीग्राम रो लिंक पाइबे से जॉइन करेंगे से डिटेल्स पाइबे केमी आप जॉइन करेंगे तापर आपंकर पेड बैच आपंकर जो आरंभ कर पीडीएफ आपंकर पीडीएफ पेड बैच आरंभ कर पेड बैच रे आपंकर कौन आसीज ना पीडीएफ आपण पाइबे व्हाट्सएप करेंगे 9770705017 नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे जो थे आपको डिटेल्स कह दिया किपर आपको पीडीएफ पीडीएफ बैच आप जॉइन करेंगे ओके आपको 99 रुपीज पेमेंट रखा जाए जोटा कि लिस्ट से आपको बहुत गुड़े पीडीएफ आप जाकर जाऊँगी 15 फेब्रुआरी मस रही आपको पीडीएफ बर्तमान सुधा 30 पाखापाखि 30 पीडीएफ आपको छड़ा छाड़ सारे आहरी पीडीएफ जीव जहाँकि आपंकर क्लास हो जहाँ क्लास न हो पीडीएफ आपको दि जाऊँ ओके जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली सी गार्डियंस टू आपंकर गोटे मैरिटाइम एक्सरसाइज होती क्या भितर ना चाइना और क्यों देश भितर क्वेश्चन करा कर चाइना अच्छी माने रूसिया थाई पारे इंडिया केवल न थाई पारे नेपाल भी न थाई पारे ए पाकिस्तान सी रूसिया यह हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर पाकिस्तान सहित सी गार्डियन टू मैरिटाइम एक्सरसाइज चाइना और पाकिस्तान मध्य ओके परवर्त प्रश्न को जी Which IT company will acquire Denmark based Best Life Science for 110 million euros? अर्थात तो क्यों IT company Denmark based जो Best Life Science रही 110 million euro रे ताकु acquire करी ची. That is option number B ही जो right answer. Infosys ताकु acquire करी ची Denmark based Best Life Science कहते टंग करे. That is 110 million euros. 110 million euros रे ताकु buy करी ची acquire करी ची. परवर्त प्रश्न को जी हु हाज बिकम द न्यू एमडी और सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी रो बर्तमान पर नुआ एमडी एवं सीईओ किए दैट इज ऑप्शन नंबर ए हिज आपन का राइट आंसर आशीष कुमार चौहान जे कि नुआ एमडी एवं सीईओ हिच एनएससी आपन का आ गुटे रही आपन का बीएससी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जेटा कि वर्तमान ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज जदि आपन को पचरा जाए दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी रा हेड क्वार्टर केउठी दैट इज न्यू दिल्ली ओके न्यू दिल्ली रुची एनएससी रो तार हेड क्वार्टर ओके एमडीसीओ के चंती आशीष कुमार चौहान इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
हुई सिक्योरिटी फोर्स हैज रिसेंटली रिकवर्ड नार्कोटिक प्रोडक्ट्स वर्थ 7.40 करोड़ अंडर ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्को प्रोसेसन चलेला क्यों सिक्योरिटी फोर्स भारत चार्टा आपर सिक्योरिटी फोर्स दि जाए जे कि रिकवर कर नार्कोटिक प्रडक्ट के दैट इज 7,40,00,000 टकर नार्कोटिक प्रडक्ट को रिकवर करपरेसन कौन थी ना ऑपरेशन नार्कोस थिला क्यों किए रिकवर कर दैट इज ऑप्शन नंबर बी हिज राइट आंसर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जोटा कि आम सर्ट्रे आरपीएफ बोली कही था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्ट्रे आम कौन कही था आरपीएफ बोली कही था ऑपरेशन नार्को जरिया 7,40,00,000 टंका नार्कोटिक प्रोडक्ट को रिकवर कर। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्टेट टॉप्स द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू इंप्लीमेंट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बा जोटा कि आम एनएफएसए कहते जो रेशन शॉप जरिया रे लोक मान को खाद्य बंटन जोटा कि पीडीएस ओके पीडीएस जरिया रे खाद्य बंटन करा जाउची सेइटा केउं स्टेट टॉप बा केउं राज्य टॉप करिछि दैट इज आम राज्य उड़ीसा टॉप करिछि रेशन शॉप जरिया रे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करिवारे। परवर्ती प्रश्न नाटो एलाइज साइंड द एसेसन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन एंड व्हिच कंट्री। नाटो एलाइज करिछि गठबंधन तैयारी करिछि एवं एमओयू साइन करा जायछि प्रोटोकॉल असेसन करबा पई कहा सहित स्वीडन एवं केउ कंट्री कथा पचारा जायछि दैट इज चाइना केबे भी नै पारिबनी नाटो सहित रूसिया भी हे पारिबनी यूक्रेन तो अछि बता तार कंट्रोवर्सी चलछि से भी नै ऑप्शन नंबर सी हे जेबा आपनक राइट आंसर फिनलैंड ही साइन करिछि असेसन प्रोटोकॉल पई कहा सहित ना आपनक स्वीडन एवं फिनलैंड सहित ओके स्वीडन सहित फिनलैंड साइन करिछि नाटो सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन जूनियर फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फर्डिनांड मार्कोस वाज सोन इन द 17th प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। 17th राष्ट्रपति होइछन्ते केउं देशर दैट इज ऑप्शन नंबर डी हिज राइट आंसर फिलिपाइंस। फिलिपाइंस रे आपनकर होइछि ओके फिलिपाइंस रो प्रेसिडेंट होइछन्ते किए ना जूनियर फर्डिनांड मार्कोस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज ओन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2022। केउं बैडमिंटन प्लेयर जे कि जने महिला जे कि वुमेन्स सिंगल टाइटल जीति सिंगापुर 2022 दैट इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी हिज राइट आंसर पी भी सिंधु जीति PV Sindhu ओके ऑप्शन नंबर सी हिज राइट आंसर सिंगापुर ओपन 2022। When is the World International Day of Justice? World International Day of Justice आपनकर सेलिब्रेट करा जाए एवरी ईयर केबे सेलिब्रेट करा जाए दैट इज 19 जुलाई 2019 रे आमे World International Day of Justice को पालन करिथांती ओके World Day of Justice ओके ऑप्शन नंबर बी हे जेबा आपनकर राइट आंसर सॉरी एटी ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर ऑप्शन नंबर 17 जुलाई ओके 17 जुलाई होची आपनकर राइट आंसर जोड़ा कि इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस को पालन करा जाए 19 जुलाई हो ने 17 जुलाई ओके। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। हाई कमिश्नर अछंती बांग्लादेश रो इंडिया हाई कमिश्नर बांग्लादेश रो हाई कमिश्नर इंडिया रे दैट इज मुस्ताफिजुर रहमान। मुस्ताफिजुर रहमान इज द राइट आंसर ओके मुस्ताफिजुर रहमान इज द राइट आंसर हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया ओके। According to the Time Out 2022 index, which country's capital Edinburgh is the best city in the world? Edinburgh को क्यों देशरो capital? जे की पृथ्वीरो best city रो award पाई ची Time Out द्वारा 2022 index जो प्रकाश करी ची Time Out. That is option number C है जो right answer. Scotland जे की Scotland रो capital अपन कर Edinburgh जे की best city in the world रो award पाई ची. परवर्ती प्रश्न. Which country celebrates 14 July every year as National Day? 14 जुलाई को नेशनल डे रूपे पालन करिथाय प्रति वर्ष केउं राज्य देश करिथाय एवं सेही दिन को ही आमे जानि थांती बस्टिल डे बोली आमे जानि थांती ओके बस्टिल डे भाबरे मध्ये जाना सुना दैट इज ऑप्शन नंबर डी हिज राइट आंसर फ्रांस हिज आपनकर राइट आंसर फ्रांस ओके जोटा कि बस्टिल डे बा आमे नेशनल डे रूपे पालन करिथाय फ्रांस। रिसेंटली व्हिच इंस्टिट्यूट हैज मेड ए टूल नेम्ड पिवट पाइवट एटा पाइवट आमे कोन पय व्यवहार करा जाउची ना डिटेक्ट जीन्स रेस्पोन्सिबल फॉर कैंसर कैंसर पाई जीन मध्ये रेस्पोन्सिबल सेटा को डिटेक्ट करूची ओके सेटा केउ इंस्टिट्यूट ए टूल को मेड करीची बा टूल को तयारी करीची से टूल रो नाम कोन पिवट दैट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास हे जेबो जे राइट आंसर जे की पिवट बोली गोटे टूल को तयारी करीची डिटेक्ट करबा पाई जीन को
जेकि कैंसर पाई रेस्पॉन्सिबल अटे। परवर्ती प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 रिलीज हो सारी। सी प्रश्न पचारि भारत रैंक के भारत रैंक हूँ दैट इज 135। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। 135 हूँ भारत रैंक। ओके देखो भारत रैंक ये आपको दि जाइए जेंडर स्कोर इंडिया रैंक 135 इन जेंडर पैरिटी आउट ऑफ 146 कंट्री। तेल इंडिया स्कोर के 135 बै 146। ओके 135 बै 146 अर्थात 145 जन भितर इंडिया रैंक के 135 रैंक अच्छी। ओके एवं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मन रखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किए करी था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करी था। इंडिया रैंकिंग इन द फोर सब इंडेक्सेस बेस्ड ऑन व्हिच द ओवरऑल रैंकिंग वाज डिटरमाइंड। ओके चारोटी सब इंडेक्सेस को निया जाय कि आपनकर रैंकिंग को प्रस्तुत करा जाय छी। आरी मते दै छी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रे रैंक आपनकर केते अछि ना 48 रहै छै। हेल्थ एंड सर्वाइवल रे 146 रहै छै। एजुकेशन अटेनमेंट रे 107। इकोनॉमी पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी रे 143 रहै छै तारो इंडेक्स। ओके जेंडर गैप इंडेक्स जे कि के किए आपनकर पब्लिश करी थाय ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करी थाय। व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन रे प्राइमरी एजुकेशन आपनकर एनईबी को इंप्लीमेंट करिवारे भारतर केउ राज्य प्रथम दैट इज ऑप्शन नंबर सी हे जीव राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड वर्तमान पई के सीएम अछंती मते कमेंट करिके निहाती भाबरे जणातु। उत्तराखंड सीएम किए अच्छा मत कमेंट करके जनातु जो राज्य एनईपी बा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करिवारे प्राइमरी एजुकेशन ले भारत रे प्रथम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन व्हिच कंट्री टू सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मार्बल वायरस डिजीज वर रिपोर्टेड। मार्बल भाइरस गुटा आसी तार द्वारा डिजीज होउची सेथिरे दुई जन को सस्पेक्टेड केस को धरा जाइची सेटा आपनकर केउ देश रे घटीची दैट इज ऑप्शन नंबर ए हे जो राइट आंसर घाना। घाना ठारे घटीची। ओके घाना ठारे मार्बल भाइरस डिजीज घटीची। व्हिच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड ए हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट नेम्ड लॉक्स जेपलिन टू डिटेक्ट ए डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। डार्क मैटर को डिटेक्ट करबा पई गोटे एक्सपेरिमेंट करा जाइथिला तार नाम होची लॉक्स जेपलिन सेटा केउ देश कंडक्ट करिछ दैट इज ऑप्शन नंबर बी हे जेबो राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका कंडक्ट करिछ डार्क मैटर जानिबा पई यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हिच इंडियन हैज ओन द टाइटल ऑफ मिस्ट्रेस यूनिवर्स डिवाइन 2022। मिस्ट्रेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 रो किए टाइटल ओन करिछंती केउ भारतीय भारतीय ओन करिछ दैट इज आदिति पांडे पल्लवी सिंह सुस्मिता राव राधिका गुप्ता। आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी पल्लवी सिंह जे कि मिस्ट्रेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 को कौन करी चंती ना जीती चंती से टाइटल को जीती चंती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली ओन द मेन्स सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन 2022। मेन्स रे सिंगल टाइटल जीती चंती विंबलडन 2022 पई दैट इज आपनकर है जो ऑप्शन नंबर सी हे जब राइट आंसर नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जे कि सिंगल टाइटल विंबलडन 2022 रे जीती छथि। ओके ये आपन करन ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपन कर केबे सेलिब्रेट करा जाय ऑप्शन नंबर ए हे जब राइट आंसर जुलाई 11। 11 जुलाई रे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करा जाय प्रति वर्ष। प्रति वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेशन करा जाय जुलाई मास 11 तारिख। Which Lieutenant General of India has been appointed as the new military commander of the UN mission in South Sudan? UN लो गोटे मिशन चली ओके जोटा कि साउथ सुदान रे सेथिरे भारतीय सैन्य भी रही यूएन जेहेतु तेज सब देश सैन्य भी रही है से भारत क्यों लेफ्टनेंट जनरल भारत क्यों लेफ्टनेंट जनरल जे कि अपॉइंटेड होती न्यू मिलिटरी कमांडर भाव में दैट इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अरुण पुरी। अरुण पुरी नुआ लेफ्टनेंट जनरल ऑफ इंडिया भाव बा न्यू मिलिटरी कमांडर भाव में निजुक्त होती यूएन मिशन रे जोटा कि साउथ सुदान रे चली जोटा कि यूएन मिस कह जाए। ओके हु हैज रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022।
फेमिना मिस इंडिया 2022 पाई किए टाइटल जीति चंदी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सिनी सेठी, जे कि फेमिना मिस इंडिया 2022 पाई टाइटल जीति चंदी। रिसेंटली येर लापिड हैज बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। येर लापिड जे कि प्राइम मिनिस्टर हिचंती 14th प्राइम मिनिस्टर केउ देश, दैट इज इजराइल। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, इजराइल हिज आपन को राइट आंसर, जे कि 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पद रे निजुक्त होइचंती। तांकर ना कोन ना येर लापिड, येर लापिड होजे तांकर ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच व्हिच फुजिटिव बिजनेसमैन हैज रिसेंटली बीन सेंटेंस्ड टू 4 months इन जेल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 2017। 2017 मसीहारे सुप्रीम कोर्ट को द्वारा क्यों बिजनेसमैन को 4 मास जेल सुनानी करा जायतिला, काहे कि कल करा जायतिला ना कंटेंट कैंस रिलेटेड टू हाइडिंग इनफॉरमेशन फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट पाखरु से इनफॉरमेशन को हाइड करथिले, सेति पई तांको 4 मास दंड सुनानी होइतिला। से मालिक किए, से बिजनेसमैन किए, अति प्रेमिक विजय माल्या, विजय माल्या होजे से बिजनेसमैन। 2017 रे घटना। नेपाल हैज रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू व्हिच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पई नेपाल आरंभ कर देछि सीमेंट एक्सपोर्टिंग करबा केउ देश गुडी को प्रथम थर पई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेपाल एक्सपोर्ट करछि कहा को ना, इंडिया को एक्सपोर्ट करछि, कोन एक्सपोर्ट करछि ना, सीमेंट एक्सपोर्ट करू अछि। ओके, रिसेंटली व्हिच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बिकम हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF रो नुवा चेयरमैन इज जे कि भारतीय इंडियन ओरिजिन, सी होचो किए ना। ऑप्शन नंबर ए हिज आपन को राइट आंसर, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जे कि इंडियन ओरिजिन न्यू चेयरमैन इज FATF रो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। परवर्ती प्रश्न, व्हिच मेडल हैज बीन ओन बाय अर्जुन बाबूदा ऑफ नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज। क्यों मेडल जीति जेहतु क्वेश्चन दे मेडल कथा ता निश्चित भाव आप गोल्ड हो गोल्ड मेडल जीति अर्जुन बाबूता नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ गेल रिसेंटली। गेल रो नुआ हेड आप किए अपॉइंटेड होती। ऑप्शन नंबर सी हिज आप राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हिज आप राइट आंसर, संदीप गुप्ता। ओके, संदीप गुप्ता इज द राइट आंसर, न्यू हेड ऑफ गेल। ओके, आशा करी वीडियो आपन को इंपोर्टेंट, जदि आपन पीडीएफ पाया पा चाहूँ यार निश्चित भाव में मत व्हाट्सएप कंटाक्ट करेंगे। 8170750017 हूँ आम व्हाट्सएप नंबर, जो थी आपको 99 पे करने पड़ो। पेड बैच आप जॉइन करने जो थी आप जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंटरनेट अवेयरनेस समस्त क्वेश्चन थ्योरी जो किसी थ्योरी और किसी आप एमसीक्यू क्वेश्चन पाइबे जोड़ी को भेरी इंपोर्टां रोक से अनुजाई आपको जुगे दिज्व। ओके, आम जो रही वेबसाइट ताको आप भिजिट करेंगे। समस्त सेंट्रल एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेरेसन करने निर्भर हेल्पफुल रोक से मक दे पारे, टेस्ट सीरीज देपारे, टेस्ट सीरीज आप निश्चित भाव में जॉइन करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देपारे और पीजी को प्रिपेरेसन प्रस्तुत रखिपारे। आशा करें भिडियो आप हेल्पफुल रही थोड़ा इंफॉर्मेटिव। भिडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को कभी भी भूलते नहीं। सब्सक्राइब कले आपको नोटिफिकेशन आकार भिडियो पहुंची थाए और आमको एनकरेज करें आपको अधिक भिडियो ने। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।